हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, भाई कितना टाइम हो रहा है, यहाँ से एग्जिट नहीं है क्या? 12:10। तो यार 12:10 हो रहे हैं भाई, और मैं आ चुका हूँ वसंत कुंज। यार कैमरा स्टार्ट करने से पहले ना मेरे पास राइड आ चुकी थी, तो यार मैंने कहा यार पहले फटाफट राइड कंप्लीट कर लें। चलो यार फटाफट हमने राइड कंप्लीट की और इसमें हमें मिले हैं 138 रुपये। और दोस्तों आज आपको थोड़ा सा अलग अलग लग रहा होगा, भाई एग्जिट यहीं से है भाई, क्योंकि यार आज मैं अपने यामा की स्कूटी लेके आया हूँ। मैंने कहा यार एथर चार्ज नहीं थी सबसे पहले तो, और एथर से ना हर बार लिमिट हो जाती है अपनी, कितनी राइड कर सकते हैं हम। आज हम मारेंगे पेट्रोल से और देखते हैं भाई यार कितनी राइडें निकलती हैं, कितना काम कर पाते हैं हम ओला पे ऊबर पे। अगर पोर्टर मिल जाए तो बहुत बढ़िया भाई, और कोशिश तो मेरी यही है इस बार कि मैं पोर्टर इस महीने मतलब पोर्टर की अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाऊं, क्योंकि यार परफॉर्मेंस बहुत कम है मेरी, 18% परफॉर्मेंस है यार, ऑर्डर आता ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा भाई इस बार परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट मंथ से कुछ आपको पोर्टर की वीडियोज़ ही मिलेंगी भाई फुल डे की, जैसे ऑर्डर तो आए। तो चलो भाई यहाँ से हम निकल चुके हैं वसंत कुंज कावेरी अपार्टमेंट, यहीं पे कस्टमर को ड्रॉप किया था। 140 रुपये मिले हैं भाई 18 किलोमीटर के, पिकअप मिला के 19 किलोमीटर। चलो ठीक है भाई, थोड़ा कम ही है, बट क्या करें भाई यही रेट चल रहा है, 8 रुपये के आसपास का ही रेट आता है हर जगह। तो चलिए दोस्तों वेट करते हैं भाई अपनी नेक्स्ट राइड की, ओला ऊबर रैपिडो किसी पे भी देख लूँगा मैं, बस राइड आनी चाहिए बढ़िया सी। तो दोस्तों वहीं पे खड़े खड़े भाई अपने को राइड मिल चुकी है, और हमें जाना है भाई सफदरजंग इनक्लेव। ओला पे राइड मिली है भाई, और यहीं कहीं से यार रेड लाइट से कस्टमर, ये क्या है भाई, यहीं से है कस्टमर। पिकअप तो कहने को दिखा तो ज़्यादा रहा है, बट भाई इसी पिकअप में 800 मीटर तो कम कर दिए मैंने। पिकअप कहाँ से है भाई, लगता दूसरे गेट से जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं भाई कस्टमर को कॉल करके। पेटीएम, हाँ जी नो। चलो भाई ये राइड भी कंप्लीट करें। लीजिए सर 60 है ना? हाँ 60, यही शो कर रहा था आपको, यहीं पे करना सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। ओके तो दोस्तों आ गए भाई हम अपने सफदरजंग इनक्लेव, ये राइड भी कंप्लीट करते हैं। कस्टमर सही थे यार, ये तो वहीं पे मिल गए थे भाई, और मतलब बहुत बढ़िया लगा यार। 214 रुपये की अर्निंग कर ली मैंने, और 11 बजे निकला था, और टाइम देख लो भाई 12:40 यार। 49 की राइड नहीं लूँगा मैं, नहीं ले रहा मैं भाई 49। ऊबर खोलते हैं यार, यार आज मैं इसीलिए स्कूटी लेके आया हूँ यार, मैंने कहा यार पेट्रोल स्कूटी लेके जाते हैं, देखते हैं भाई क्या मिलता है, मैं रुकना नहीं है यार अपने को। और सबसे बड़ी बात टाइमिंग भी अपनी सही रहती है वैसे देखा जाए तो, और इलेक्ट्रिक स्कूटी है भाई टाइमिंग फिर गड़बड़ी रहती है, हमेशा ही गड़बड़ रहती है यार वो। हम बैटरी बचाने के लिए स्लो चलाते हैं, और स्लो चलाते हैं तो फिर टाइम लगता ही लगता है। चलें भाई एक सेकेंड हम भी मोड़ लें। चलिए दोस्तों देखते हैं भाई ओला पे अपने को क्या मिलता है। चलो भाई आप चलो पहले। चलिए दोस्तों वेट करते हैं अपनी नेक्स्ट राइड का, और देखते हैं भाई अपने को क्या मिलता है। आई होप कोई लंबी राइड मिल जाए यार, थोड़ी बढ़िया सी मज़ा आ जाए। तो दोस्तों वहीं पे खड़े खड़े यार 2-3 मिनट में मुझे एक ऑर्डर मिल गया ओला पे, फूड का ऑर्डर मिला है भाई। यार अब मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया यार, बस रेस्टोरेंट मिल जाए। अरे बाप रे, ये तो गलियों में है रेस्टोरेंट, सही में भाई ये फूड का ऑर्डर है तो 60 रुपये का, और जाना है अंसारी नगर आई थिंक ये सफदरजंग हॉस्पिटल के पास है। तो यहाँ तो बड़े मैजिक पिन के हैं रेस्टोरेंट यार, सब पे मैजिक पिन के बोर्ड लगे हुए हैं, द शेफ रेस्टोरेंट। ये है कौन सा भाई, यहाँ तो बंद है भाई, आगे दिखा रहे थोड़ा। चलो रहा भाई द शेफ मैजिक पिन, चलो देखें भाई हमारा ऑर्डर रेडी है क्या। ये थोड़ा है यार इसमें कवर में, हो रहा है लगा रहा हूँ भाई। चिल्ली गार्लिक चिकन फ्राइड राइस, चलो करो आप, मैं साइड लगाता हूँ। चलें भाई इस ऑर्डर का ही वेट करें, साइड लगाएं भाई पहले गाड़ी। यार बड़ी तंग गलियाँ यार यहाँ पे तो, कहाँ लगाऊँ भाई, रुको आगे कहीं लगा के आते हैं। यार ये तो बड़ा सीन है भाई, यहाँ से मैंने एक्सेप्ट तो कर ली राइड, अरे बाप रे कहीं बाहर ही लगानी पड़ेगी यार, यहाँ तो बहुत, यहाँ लगाएंगे ना यार घुमा के, वैसे बहुत ज़्यादा सीन है यहाँ पे तो। एक सेकंड अंकल जी। तो भाई सब मिल गया हमको ऑर्डर, पूरे 15 मिनट के वेट के बाद, यही होता है यार फूड ऑर्डर्स में कभी कभार। अब हमें जाना कहाँ पर है देखे जरा,
भाई साहब 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर के 60 और प्लस 30 90 रुपये देगा। ठीक है यार, ए टांग दे भाई यहाँ पे हम, यही फ़ायदा होता है स्कूटी का, बस लगा दिया। अपने फ़ोन को लगाएंगे हम इसके अंदर, भाई आराम से रखा है फ़ोन तो, दोनों चीज़ें, केस भी महंगा है, फ़ोन भी महंगा है भाई। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए। तो चले भाई फटाफट, 10 मिनट लगेंगे इस ऑर्डर को डिलीवर करें, बस शांति से डिलीवर हो जाए यार। पिकअप तो कर ही लिया हमने कैसे ना कैसे करके, अब डिलीवर भी हो जाए बस। भाई साहब देख लो एम्स में कैसे उठाते हैं गाड़ियाँ, भाई साहब कैसे कैसे उठा रहे हैं एम्स में गाड़ियाँ। मैं एम्स में आ चुका हूँ भाई, एम्स के हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी है, तो भाई साहब यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ना उनको तो ऐसे ही उठाया जा रहा है बस, जैसे खिलौना हो भाई साहब। इसलिए गाड़ी खड़ी करनी करनी भाई साहब, कुछ भी हो जाए गाड़ी खड़ी करके नहीं जाऊँगा मैं कहीं। भाई ये तो उठा लेंगे, देखें भाई यहीं कहीं हैं और कस्टमर की लोकेशन यही है भाई। चलो वेट करते हैं भाई। लो भैया भाई ओटीपी बताओ। 7554 7554 हाँ चलिए, थैंक यू भैया। हो जाओ भाई, हो जाओ हाँ ठीक है। तो दोस्तों भाई ओला का ये फूड ऑर्डर भी डिलीवर किया यार बड़ी मुशक्क़त के साथ, भाई साहब 15-20 मिनट डिलीवरी में भी लग गए यार। कस्टमर वेट ही करते रहो भाई, बहुत सिरदर्दी है यार फूड ऑर्डर में। पर यार ये भी है यार, देखो 2-3 किलोमीटर चलाने के 90 रुपये भी तो मिल गए। देखो पेट्रोल गाड़ी के साथ तो पेट्रोल बचाना मेरा, थोड़ा सा वेट तो बनता ही है भाई। और कस्टमर ने एक फ़ोन ना करा मेरे को, मैंने 3-3 फ़ोन कर दिए और मैं फ़ोन ना करूँ तो भाई कस्टमर ले ही ना ऑर्डर। वाह भाई साहब, क्योंकि यार एम्स में तो चल अंकल जी, एम्स में तो बड़ा सीन है भाई। अब यहाँ से एग्ज़िट मारे कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे। तो दोस्तों अपनी इनकम हो गई है भाई 273 रुपये की, तो भाई यहाँ स्क्रीन पे आ रही है ओला पे 30 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे यार, तो अप्रॉक्स 300 रुपये की इनकम हो गई है। ठीक है यार, देखो थोड़ा वेट करना पड़ता है, पर वही है भाई अपनी गाड़ी भी तो कम चलती है ना, इसीलिए मेन पॉइंट तो यही है भाई, गाड़ी भी कम चलती है। अब पेट्रोल वाली गाड़ी है तो पेट्रोल बचेगा, इलेक्ट्रिक है तो भाई ठीक है इलेक्ट्रिक में भी बचेगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी यार और क्या होगा। बट ऑब्वियसली बात है उतनी तो नहीं चलेगी ना यार जितनी एक 70-80 किलो के बंदे को बिठा के तुम चलाओगे गाड़ी, सीधा मेन पॉइंट तो यही है। चलिए भाई अब यहाँ से हम एग्ज़िट मारते हैं रेंज से फटाफट और देखते हैं। मैंने ऊबर भी ऑन कर रखा है, ओला भी ऑन कर रखा है, पोर्टर भी कर रखा है, रैपिडो देखूंगा अगर जरूरत पड़ी तो करूंगा, वरना अभी कोई कह नहीं सकता मैं। तो करते हैं भाई ऑन और फटाफट चलते हैं, वेट करते हैं कोई बढ़िया राइड आए, या अगर फूड की राइड आएगी तो भाई सोच समझ के उठाऊंगा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों वहीं पे खड़े खड़े भाई अपने को पोर्टर पे ऑर्डर मिल गया भाई, पोर्टर ने मुझे ऑर्डर दे दिया, बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। पर भाई एक हो गया सीन, ऑर्डर छोटा सा ही है 109 रुपये का समथिंग का ऑर्डर है, तो जो भी है भाई। बट मुझे नहीं पता था भाई कहाँ से पिकअप है, मैंने कहा था उठा लिया बस देखा जाएगा जो होगा। भाई पिकअप पता कितनी है, अरे कितना हॉर्न मारोगे यार, पिकअप है भाई 3.5 किलोमीटर की पिकअप है भाई, 3.5 किलोमीटर भाई साहब। और सबसे बड़ी बात अब सामान क्या मिलता है ये भी बात है, तो भाई बहुत लंबी पिकअप मिल गई है। तो मैंने कहा चलो यार अब देखो हमें परफॉर्मेंस तो इंक्रीज़ करनी है थोड़ा सा, कोई नहीं एक्स्ट्रा सही चल लेंगे और क्या होगा। मंजूरी का नाम महात्मा गांधी, पोर्टर बाबा जिंदाबाद, यही करेंगे हम। और देख क्या पता भाई इसके बाद पोर्टर कोई बढ़िया ऑर्डर भी दे दे, ये छोटे छोटे ऑर्डर ही देता है हमेशा मेरे को। और वैसे वो पिकअप नॉर्मली होती है भाई, क्योंकि अपने एरिया में तो चलो पता होता है, बट यहाँ थोड़ा पता नहीं था, तो कोई नहीं देखते हैं भाई फटाफट चलते हैं पार्सल को पिक करते हैं और दिखाता हूँ आपको पार्सल में है क्या, और फिर डिलीवर भी करके पार्सल को देखते हैं क्या पता उसके बाद पोर्टर ही कोई बढ़िया राइड दे दे यार मुझे। खाने पीने का सामान ही है ना, कुछ गलत आइटम तो नहीं है और कुछ नहीं। हाँ बस पिकअप करके बता दो भैया। कर दिया भैया, कर दिया पिकअप। पेमेंट वही करेंगे, पेमेंट वही करेंगे, आप एड्रेस बता दो कहाँ का है। D115 ब्लॉक पंशील एनक्लेव, ठीक है चलो शुक्रिया भैया। चलो भाई ये मिला है हमको, पता नहीं अरे बाप रे 6.5 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर ये हो गया भाई, 3.5 किलोमीटर वो हो गया। और पैसे क्या मिलेंगे, बाबा जी का ठुल्लू क्या यार, पोर्टर करके भी ना मूड ऑफ हो गया मेरा। चलिए चलते हैं भाई, डिलीवर तो करना ही पड़ेगा। सब देख लो यार पोर्टर के ऑर्डर ने कितना घुमा दिया मेरे को भाई, सब सेकंड फ्लोर पे डिलीवरी करनी पड़ रही है भाई साहब, कई बार तो पोर्टर घुमा देता पूरा, ये फर्स्ट ये सेकंड, ओह भाई सब सेकंड फ्लोर पे डिलीवरी दे रहा हूँ।
आपका ये सेकंड फ्लोर है ये ना, सेकंड फ्लोर। आपका ये खाना खा रहे हो? खाना खा आ रहे मैडम, लीजिए। आंटी लीजिए, आंटी तो दोस्तों हो गया भाई ऑर्डर डिलीवर। 110 रुपये हमने कलेक्ट कर लिए कस्टमर से। भाई सब सेकंड फ्लोर मैंने दे दिया, छोड़ो यार 87 दिए भाई, नॉट नाउ। तो दोस्तों अभी भाई ओला पे मैंने एक राइड एक्सेप्ट किया है भाई, हमें जाना है रजौरी गार्डन। मैंने 1 किलोमीटर वगैरह देखे ही नहीं, पर भाई पिकअप क्या है इसकी भी देखूंगा, अदरवाइज पिकअप ज़्यादा होगी ना तो भाई कैंसिल करूंगा राइड। मैंने तो अभी एक्सेप्ट कर ली बस रजौरी गार्डन देख के, घर नहीं जाना मुझे यार। बट भाई मैंने तो लॉन्ग राइड देखी ना, पोर्टर ने तो हमें कोई लॉन्ग राइड दी नहीं। पोर्टर करें हम ऑफलाइन। 84 रुपये का ऑर्डर करूँगा अब मैं हर बार भाई साहब, पोपट बना दो तुम, ग्रेटर क्लास से पिकअप। हद है। ओला भी देखें भाई पिकअप कितनी आ रही है भाई साहब, 3.5 किलोमीटर की पिकअप। भाई साहब मैं नहीं ले रहा, हद है। तो भाई साहब ये पार्सल मिल गया यार, छोटा पार्सल था मैंने ले लिया, क्योंकि यार ओला पार्सल का रेट तो भाई आप सबको पता ही है, माशाल्लाह रेट है भाई। तो इससे अच्छा था भाई इसी में ले जाओ ना यार खाली खाली। और मौसम यार बढ़िया हो रहा है, कभी कहीं धूप है कहीं छाँव है, यही चल रहा है अपना काम है। बनी नहीं यार शायरी मेरी पूरी, कहीं धूप कहीं छाँव, इसके बाद भाई समझ नहीं आ रहा मेरे को। कोई नहीं भाई, आपको समझ आए तो आप कमेंट कर देना क्या शायरी बनाऊँ भाई इसके आगे। कहीं धूप कहीं छाँव। तो दोस्तों यार ठीक है भाई, 170-180 रुपये मिल रहे हैं इस ऑर्डर के, तो मैंने कहा यार ले लो यार हल्का सा पार्सल, अब खाली खाली जाना है, मैं खाली खाली जा ही रहा हूँ और क्या। तो भाई पार्सल का रेट ओला में तो अच्छा है नहीं, पोर्टर ने यार मेरे को ठीक ठाक रेट दिया है, 84 रुपये रेट दिया है। 6.5 किलोमीटर का ड्रॉप, 3.5 किलोमीटर का पिकअप, 10 किलोमीटर हो गया, तो वही 8-8.5 का रेट आ गया है। पर कई लोग बोलते हैं भाई कि पोर्टर छोटी राइड से 20 रुपये किलोमीटर दे देता है भाई, 20 रुपये किलोमीटर। तो भाई कहाँ देता है भाई, दिखा दो मुझे भी। YouTube पे बहुत भाइयों को मैंने देखा है बोल रहे हैं लोग, बहुत लोग बोल रहे हैं यार कि 20 रुपये किलोमीटर देता है छोटा पोर्टर छोटी राइड्स पे। कहाँ दिया भाई मुझे 20 रुपये किलोमीटर, यहाँ तो 10 भी नहीं आया। अद यार भाई बनाने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है काम। पोर्टर लॉन्ग राइड्स पे मेरे हिसाब से भाई 8 रुपये का रेट ही आ रहा है। हाँ कई राइडों में देता होगा भाई, मेरी परफॉर्मेंस ख़राब है शायद इसलिए इसने इतना कम रेट दिया है। उसके बाद 84 रुपये का ऑर्डर दे रहा था यार ग्रेटर क्लास से पिकअप, अब मुझे नहीं पता भाई ग्रेटर क्लास कितनी दूर है, तो मैंने उठाया ही नहीं। तो चलो यार फटाफट चलते हैं भाई, अब इस ऑर्डर को डिलीवर करें और देखेंगे रजौरी गार्डन से क्या मिलेगा यार। आई होप कुछ बढ़िया ही राइड उठाऊँ यार वहाँ से भी। चले भाई दे दें ये पार्सल, लीजिए भैया वेलकम वेलकम। चले भाई कम एंड करें ट्रिप, कितने 158 ही बने यार, 160 मैडम ने दे दिया था, चलो कोई नहीं। तो भाई साहब ओला यहाँ ऑन है हमारा यार, 52 रुपीज़ की जनकपुरी यार, ये मेरे घर पहुँचाएंगे क्या? चल ले ले यार, चलते हैं जनकपुरी यार, 52 रुपीज़ की जनकपुरी की दे दी यार। ये चाहता क्या है ओला? 400 मीटर की पिकअप, बहुत बढ़िया। हेलमेट निकाल लें जरा, यहीं से निकाल लें भाई हेलमेट, वहाँ कहाँ कस्टमर के सामने मैं खोलता रहूँगा। लगाएं इसको यार, जनकपुरी पहुँचाती है अब भाई आप ही बताओ मैं क्या करूँ। एकदम घर पे पहुँचा दिया इसने मेरे को, जनकपुरी से 2 किलोमीटर भी नहीं है मेरा। कभी कभार तो यार हद है जनकपुरी की राइड, मतलब ओला वाले चाहते क्या हैं, निकलने दो अंकल। चलो यार फटाफट कस्टमर को पिक करते हैं भाई। और रेट पता क्या, 4.9 किलोमीटर की पिक का ड्रॉप है, 450 मीटर की पिकअप है और 52 रुपये दे रहा है यार, सही दे रहा है यार, मतलब 10 रुपये किलोमीटर आ गया इसमें रेट। तो ओला में तो फिर भी 10 रुपये किलोमीटर मिल गया। तो दोस्तों आ गए भाई हम कस्टमर को पिक करने। मैम ओला बैठिए मैम, ये जी हेलमेट, OTP 7300। ये जनकपुरी बैठे, हाँ पता नहीं जो लोकेशन डाल दी ना आपने, हाँ बस कोई नहीं बैठे मैम आप। चलो मैम लोकेशन तो यही की है, अरे लोकेशन तो पीछे वाले कट पे, अरे एक को एक सेकेंड, कोई नहीं एक सेकेंड, ये रहा ना कट, इसी कट पे ही है बस।
करते हैं लोकेशन। पेटीएम मैम कैश चेंज, एक सेकेंड। हाँ चलेंगे, चलेंगे। तो दोस्तों ओला पे भाई हमने एक और राइड कंप्लीट की, 41 रुपीज़ कस्टमर से ले लिए। भाई साहब मैं ना एकदम घर के पास आ गया हूँ, एकदम घर के पास, और इनकम जो अपनी हुई है ना 493 रुपये, ये आप टोटल मान लो 500 रुपये और 30 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे क्योंकि मैंने यहाँ कस्टमर से 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। खुले नहीं थे भाई मेरे पास, मैं कहाँ से लाऊँ खुले। 500 रुपये टोटल इनकम हो गई मेरी और 30 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे, कितने हो गए भाई अभी तक 530, 84 रुपये हमने पोर्टर पे कमा लिए भाई, कितने हो गए, कितने हो गए भाई, लगभग 610 रुपये हो गए भाई। और गाड़ी चली है अपनी भाई 68 किलोमीटर, लगा लो अगर मैं अपने घर चला गया तो 70 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी, तो लगभग भाई 120 रुपये का पेट्रोल लग गया अपना, तो मोटा मोटा यार 500 रुपये बच गए अपने को पार्ट टाइम। और मैं निकला था 11 बजे और टाइम हो रहा है भाई 3:38, लगा लो यार 5 घंटे में 500 बचा लिए भाई हमने। यही पेट्रोल व्हीकल से भी यही चलता है भाई, पेट्रोल व्हीकल से भी यही सीन है यार। अगर आप इलेक्ट्रिक में करोगे तो भाई स्लो स्लो करोगे, और फूड ऑर्डर मैंने एक ही करा। बाकी मैं तो सोच ही रहा हूँ भाई घर चले जाऊँ, अभी तो घर ही जाऊँगा भाई मैं, क्योंकि यार घर के एकदम 2 किलोमीटर पे तो हूँ मैं, इसको करो ऑफ, घर के 2 किलोमीटर पे हूँ एकदम, घर जाते हैं भाई। क्योंकि देखो कहीं बाहर लंच करेंगे भाई 70-80 रुपये 50 रुपये कुछ तो खर्च करेंगे, इससे अच्छा घर पास में घर जाओ लंच करते हैं, मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर लेंगे और फिर निकलते हैं भाई शाम को 6 बजे। अब निकलूँगा नहीं निकलूँगा भाई ये मेरे टाइम के ऊपर डिपेंड है, कोई काम आ गया तो शायद मैं ना निकल पाऊँ। तो बाकी चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे घर चल के एकदम, और देखते हैं भाई फिर क्या करते हैं। तो दोस्तों भाई मैं इवनिंग में लॉगिन आ चुका हूँ और टाइम क्या हो गया भाई 6:08, लगभग 2.5 घंटे मैंने भाई रेस्ट किया थोड़ा और लंच वगैरह भी कर लिया। तो यार भाई अब हमने ट्रिप उठाई है भाई बॉम्ब वाली, भाई साहब ऊबर पे ट्रिप उठा ली हमने, 400 रुपये की ट्रिप है भाई, और हमने जाना है ग्रेटर नोएडा। भाई साहब मैंने कहा उठा लो यार ट्रिप, देखा जाएगा जो होगा। अरे अरे भाई साहब उत्तम नगर से उठा रहा हूँ ट्रिप 400 रुपये की सीधा, अब देखना है भाई ये ट्रिप आते हुए क्या मिलेगा मुझे। जाते हुए तो मैं 400 में 5% टैक्स कटेगा, 380 रुपये मिलेंगे। इतनी बड़ी ट्रिप भाई ऊबर पे शायद मेरी पहली होगी ऊबर पे आज तक। चलो कोई नहीं यार, देखो ट्रिप तो उठा लिया है और फटाफट ट्रिप लें ऊबर पे और कस्टमर मिल जाए बस। अरे रुक जाओ अंकल, इतनी जल्दी ट्रैफिक देख रहे हो यार कितना है, उत्तम नगर में हालत बुरी है भाई, इसलिए मैं उत्तम नगर कभी कोशिश करता हूँ कि ना ही मिले यहाँ की राइड, वरना यहाँ पे राइडें बहुत हैं क्योंकि भाई ट्रैफिक इतना है यार राइडर जाते ही नहीं। चलो कोई नहीं यार फटाफट चलते हैं भाई कस्टमर को पिक करते हैं और देखते हैं भाई उत्तम नगर से निकल के हमें ये ट्रिप हमें क्या क्या नज़ारे दिखाती है भाई, इतनी बड़ी ट्रिप उठाई है तो। भाई सब कस्टमर की लोकेशन कहाँ थी, कस्टमर कहाँ थे, इन कस्टमर को लेके जाना ग्रेटर नोएडा। चले भैया एक सेकेंड, आप भी जाओगे ना? हाँ मैं जाऊँगा। 81 31 10। लो भैया हेलमेट, हाँ ये तो बहुत जरूरी है। तो बैग रख लूँ आगे, बैग रख लूँ आगे, रख लो टांग लेता हूँ, गिरे ना यार बस, टूटने वाला तो नहीं है कुछ, टूटने वाला कुछ नहीं है पर एक बार धोखा खा चुका हूँ स्कूटी पे, ना ना गिरेगा कुछ नहीं यहाँ पे भाई। 54 किलोमीटर है, एक सेकेंड, सीधे निकालो सीधे निकालो, हाँ सीधा, हाँ चलो 48 किलोमीटर, चलो हाँ यहाँ उत्तम नगर है भैया। तो आप यहाँ पे रहते हो, कहाँ रहते हो? हाँ रहता तो अभी यहीं पे हूँ। अच्छा वहाँ काम से जा रहे हो? अब वहीं शिफ्ट होने वाला हूँ। अच्छा वहीं शिफ्ट होने वाले हो, अच्छा हाँ वो तो इलाका साफ है ग्रेटर नोएडा, हाँ चले भाई 48 किलोमीटर की राइड। देखो भाई भैया मिले, रेड लाइट में पहचान लिया उन्होंने। चलो भैया मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, वीडियो ले ली मैंने आपकी। गुड़गांव से खाली आ रहे हो? पोर्ट और कोई ऐप नहीं है क्या? और कोई ऐप नहीं है? और कोई ऐप नहीं है पोर्टर के सिवा? आज हेलमेट लेके नहीं आया। अच्छा हाँ फंस गए फिर भाई। भैया गुड़गांव से खाली, चलो भाई हम भी चले फटाफट ग्रीन लाइट से निकाल लें भाई। यही अच्छा लगता है यार हमें, जब आप लोगों का प्यार मिलता है ना,
तभी मज़ा आता है भाई, तभी वीडियो बनाने में मज़ा आता है। चलो चलते हैं भाई ये राइड लेके, देखते हैं। ये हमारी आज की बॉम्ब राइड है भाई, अब इसमें हमें कहाँ कहाँ बॉम्ब फटता है मेरा। सन्नी भाजी हाँ, अभी अभी चैलेंज डाला था मैंने VSK भाई के साथ। क्या नाम है आपका? हाँ ले लूँ वीडियो में, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ऑन है, पहले भी ऑन था भाई, आधे रास्ते ऑन कर ही दिया था। गुड़गांव से खाली आ रहे यार। हाँ भाई ये वीडियो डलेगी परसों या तरसों, हाँ देखना जरूर। इसी स्कूटी पे आएगी स्पेशल, को बड़े दिनों बाद ये स्कूटी निकाली है मैंने। हाँ अरे नहीं भाई, मैं तो भाई ये मैसेज कर दिया करो, पास में ही रहता हूँ, कहीं ना कहीं आ ही जाऊँगा। अरे वो तो यही जनकपुरी रहते हैं। अरे निकलो गाड़ी वालों, भाई ऐसे ही मिलते हैं भाई और बड़ा अच्छा लगता है हमको। चलो भैया निकलता हूँ मैं, ठीक है चले भाई हम भी फटाफट। 44 किलोमीटर का रास्ता बाकी है, अभी भी करेंगे आस्ता आस्ता इसको भी कंप्लीट। नहीं आस्ता में करूँगा भाई, मैं तेज़ करूँगा यार। भाई साहब ये है गौर सिटी मॉल, गौर सिटी सेंटर भाई कहते हैं नोएडा का सबसे बड़ा मॉल है यार ये, सबसे बड़ा। मैं बाकी छोटे मोटे मॉल तो होंगे नोएडा में, आज सबसे बड़ा नोएडा का। कभी आएंगे घूमने यहाँ पे भी, हमारा 11वें फ्लोर पे तो ऑफिस भी है। अरे इसी में है? हाँ अभी ओपन नहीं किया, 2-4-5 दिन ओपन हो जाएगा। अच्छा ये राइट जा रहा है क्या? नहीं नहीं लॉक। अच्छा लॉक है, सीधा निकाल लूँ? अच्छा वहीं से। अच्छा चलो भाई हम भी चले यार, कस्टमर का भी थोड़ा सा ना लोकेशन का इशू पड़ गया यार, बाकी अपडेट करवा रहे हैं भैया, देखते हैं क्या सीन होता है। भाई सब गौर सिटी सेंटर बहुत बड़ा मॉल, ओए बाप रे कहाँ ट्रैफिक में यार, देख लो भाई कहाँ कहाँ जा रहे हैं लोग, कैसे कैसे रोड क्रॉस कर रहे हैं। रोक रहा हूँ भैया एक सेकंड जरा। चलो तब तक कस्टमर लोकेशन अपडेट कराते हैं, हम भी पानी वानी पीते हैं भाई। ये कहाँ पर? सुप्रीम टावर सेक्टर 99, ये कहाँ पर है पता नहीं कहाँ, ये नोएडा का होगा। हाँ दिल्ली की साइड जाने के लिए, दिल्ली साइड कर लिया एक्सेप्ट, देखेंगे क्या है। आपकी ऑनलाइन पेमेंट है? देखता हूँ। हो गया ऑनलाइन पेमेंट ही है, ऑनलाइन पेमेंट ही है आपकी? ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। हाँ हाँ आ गया नीचे, मतलब पेड़ हो गई। हाँ पेड़ हो गई भैया। हाँ मैं आपसे डबल थोड़ा मांगूंगा, टेंशन किस बात की। ठीक आ रहा हूँ, शुक्रिया भैया। ओके भाई मिलता हूँ, अच्छा लगा आपसे। चलो बढ़िया, थैंक यू भैया। तो दोस्तों भाई साहब ये ट्रिप हमने कंप्लीट कर दी भाई, और इसमें हम मिले यार, ये क्या बात है यार, ट्रिप होल्ड पे डाल दी पेमेंट, इसमें हमारी क्या गलती यार। 418 रुपये मिले क्योंकि कस्टमर ने किया, लोकेशन थोड़ी सी आगे थी यार, ये बड़ा सीन था कस्टमर का, लोकेशन आगे थी और भाई अपने को नई राइड आ चुकी है। बाकी इसमें बात करेंगे भाई घर चल के। पूरी 52 किलोमीटर गाड़ी चली है, आप देखो 52 किलोमीटर्स हैं भाई। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं यार, पिकअप तो आ चुकी है भाई पैकेज की, 176 रुपये दे रहा है लगभग 8 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की पिकअप दिखा रहा है, सॉरी 18 किलोमीटर के। बाकी देखते हैं यार सेक्टर 99 आओ नोएडा की साइड, नोएडा का पैकेज है। देखिए भाई पैकेज में पहले बाहर निकले, पिकअप देखेंगे कितनी है भाई। नोएडा का मुझे नहीं पता भाई कैसे होगा, एक्सेप्ट करूँगा नहीं करूँगा मुझे खुद नहीं पता कुछ, पहले निकले तो सही यहाँ से एग्ज़िट तो मारे, उसके बाद देखते हैं भाई। भाई कस्टमर बहुत बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं, पर पेमेंट होल्ड पे डाल दी यार ऊबर वालों ने, ये क्या सीन है भाई, मतलब क्यों डाली भाई मेरी क्या गलती इसमें यार, अब लोकेशन चेंज करी है कस्टमर ने। तो भाई साहब ये बड़ा सीन है यार, अब देखते हैं भाई यार ऊबर ये बहुत गलत करता है यार, इसमें मेरी क्या गलती। चलें भाई देखे जरा यहाँ से भाई, 1.4 किलोमीटर पिकअप है, ले लें क्या? सेक्टर 99, चलो चलते हैं भाई सेक्टर 99 टॉवर्ड्स योर डायरेक्शन तो लिखा आ ही रहा था, अब देखते हैं भाई फिर वहाँ से हमें क्या मिलता है। भाई साहब ये देखो यार पार्किंग से जाना पड़ रहा है, और टावरों में ये है यार नोएडा में बड़ा सीन कि अलग ही सीन है भाई, एंट्री कराओ ये करो वो करो सब जगह है। चलो कोई नहीं यार फटाफट चलते हैं कस्टमर को, सॉरी कस्टमर का पार्सल को पिक करते हैं और देखते हैं भाई फिर क्या मिलता है, पार्सल फटाफट डिलीवर करें सेक्टर 99। पेमेंट वहीं पे होगी सर? हाँ, क्या नंबर है आपका? सर 880065। ओके सर थैंक यू भाई। सर ये रूही जी है ना? हाँ चलिए थैंक यू। चले भाई पिकअप कंफर्म। ये मिला भाई छोटा सा पार्सल ही है, कुछ ज़्यादा का आई थिंक परफ्यूम है। पार्किंग है ना? हाँ पार्किंग। अरे ये क्या आ गया? सुप्रीम टावर्स सेक्टर 99। चले भाई फटाफट
यहाँ पे शीशा नहीं है भाई, वरना मैं दिखाता आपको अपना लुक मैं क्या रखता हूँ। चलो कोई नहीं यार, फटाफट चलें यार, परफ्यूम ही यार डिलीवर करें इसको और देखते हैं फिर हमें नेक्स्ट क्या मिलता है। भाई साहब कुछ भी कहो, नोएडा की सड़कें मस्त हैं यार, यहाँ की तो सर्विस रोड भी इतनी बड़ी है यार, और दिल्ली में तो छोटी छोटी सर्विस रोड होती है। भाई साहब बहुत बढ़िया, मुझे लग तो अच्छा रहा है यहाँ का माहौल, नोएडा का माहौल तो अच्छा। पर यहाँ पे यार काम कम है भाई, क्योंकि अपने VSK भाई हैं, VSK ब्लॉग वाले भैया हैं, तो वो भी कहते हैं यार नोएडा में काम कम है काफ़ी दिल्ली के मुकाबले। तो फिर यही सीन है यार, नोएडा फिर काम कम है तो यार कैसे काम करेंगे। बाकी देखते हैं भाई, चलते हैं यार। और ऊबर ने पता नहीं यार शायद वो अमाउंट होल्ड पे डाल दिए मेरी, 418 रुपये मिले हैं मेरे को, कितने किलोमीटर है, 53 या 52 किलोमीटर ऐसी समथिंग कुछ के। बाकी घर चल के बात करेंगे भाई, लास्ट में बात करूँगा वीडियो के कि भाई क्या रेट मिला, क्या बेटर है सब कुछ, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी चलते हैं यार फटाफट, ये पार्सल डिलीवर करते हैं और नोएडा से निकलते हैं यार। और देख रहा हूँ मैं कोई बढ़िया सी एक और लंबी राइड मिल जाए, ये भी 174 रुपये का पार्सल है, इसमें भी 174 तो पूरे ही मिलेंगे यार इसमें। चलो चलते हैं भाई। तो दोस्तों पेमेंट हो गई भाई, 203 रुपये आ गए यार। ये ऊबर ने बड़ा गलत किया यार मेरे साथ, तो ज़ीरो कर दे भाई यार। मतलब ऊबर ने क्या करा यार, 418 रुपये मेरे रोक लिए, 62 रुपये का पैकेज अब नहीं लेके जा रहा मैं, 62 रुपये का पैकेज वो भी नोएडा तक, ना 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 दिल्ली का दे दो भाई कुछ, अब तो दिल्ली दे दो भाई। ओला भी खोल लिया हमने, होम रूट लगा दिया, इसमें तो भाई 5 राइड हैं यार, हद है यार, ऊबर ने पैसे रोक लिए यार मेरे। बाकी तो लास्ट में सीन बताऊंगा भाई आपको, चलो वेट करते हैं भाई कोई बढ़िया सी राइड आए। तो दोस्तों भाई साहब वहीं खड़े खड़े मैं पानी वानी पी रहा था यार, और देख रहा था भाई कोई राइड आ जाए, होम रूट लगाया हुआ था, कोई राइड नहीं आई। पर जैसे ही मैंने होम रूट हटाया भाई साहब, राइड बज गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अरे बाप रे, नोएडा सेक्टर 99 से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया भाई मैं। आई नो पैसे कम मिल रहे हैं भाई, ये लगभग 20-21 किलोमीटर की राइड है, 163 रुपये दे रहा है ओला, कोई बात नहीं। बट यार निकले तो सही नोएडा से भाई, CP साइड पहुँच जाएंगे, मज़ा आ गया भाई सही में यार। किस्मत साथ दे जाती है कभी कभार भाई। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, ये सेम राइड ऊबर और ओला दोनों में सेम टाइम पे बजी है। ऊबर में आ रहे थे भाई 161 रुपये, ओला पे आ रहे थे 163 रुपये। तो मैंने भाई ओला एक्सेप्ट किया, बिकॉज ऊबर में यार 5% टैक्स भी कटेगा, 8-9 रुपये कटेंगे, और हमें मिलेंगे लगभग 152 रुपये, 151 रुपये के आसपास, और ओला में 163 रुपये मिल रहे हैं भाई, 10-11 रुपये का फ़र्क ही आ रहा है। सेम कस्टमर था, सेम पिकअप, सब कुछ लिखा हुआ सेम आ रहा था भाई। तो मैंने कहा भाई सब कुछ छोड़ो, फटाफट ओला एक्सेप्ट करो और निकलो, कस्टमर से बात हो गई, अब फटाफट हम निकलते हैं। चलो भाई आ गए कस्टमर, ये अच्छा भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, लीजिए भैया हेलमेट, ये नेहा जी के नाम से, हाँ OTP लीजिए, हेलमेट पहनी तब तक, हाँ चले भाई फटाफट कस्टमर को लेके और चलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। थैंक्स फॉर योर विजिट भाई साहब, इसी के साथ हमने नोएडा को कर दिया बाय बाय, ये हो गई अपनी नोएडा से ट्रिप, हम पहुंच गए अब दिल्ली। फटाफट कस्टमर को ड्रॉप करते हैं रेलवे स्टेशन और देखते हैं भाई वहाँ से हमें क्या मिलेगा, किस्मत साथ दे जाती है भाई। अब ये देखो भाई साहब, भाई साहब ने भी ये कौन सी गाड़ी है, ये विक्की या पता नहीं कौन सी कहते हैं, सही लादा हुआ है पीछे, गद्दे वगैरह लादे हुए हैं यार कपड़े। अरे बाप रे आगे भी, तब ये होती है लोडिंग, लोडिंग की तो गाड़ी लोडर है ना यहाँ, भाई साहब सही करा हुआ है, सही करा हुआ भाई बंदे ने, और यही होता काम, स्कूटी वगैरह को भी ऐसे ही करते हैं लोग। अरे हट जा भाई, चलो यार फटाफट कस्टमर को ड्रॉप करें फिर देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या रहता है हमारा। एक सेकंड साइड में आपको लगाओ, इस साइड उतार दूँ, नहीं बात बताई अंदर गाड़ियाँ नहीं जा, नहीं भैया बहुत कम सब जाती है। अरे भैया यहाँ पे ना बाइक टैक्सी वाले हैं तो है रात के टाइम पे, पर दिन में नहीं आते हम लोग, ऑनलाइन कर दूँ? हाँ ऑनलाइन सबसे बढ़िया, बाइक टैक्सी वालों के लिए सबसे बड़ा रिस्क है ये रेलवे स्टेशन। लीजिए आ गए आपके, थैंक यू, वेलकम भैया। तो दोस्त ओला पे भाई हमने एक और राइड कंप्लीट की भाई, मैंने कस्टमर को बोला कि गाड़ियाँ नहीं अंदर जाती, पर यार भाई लोग सारे खड़े हैं, सारे राइडर ही खड़े हैं भाई, तो मैं क्या बोलूँ उसके बाद कस्टमर को। 42 की राइड मलकागंज, मैं नहीं जा रहा भाई, अब हम चलेंगे घर। CP आ गया भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सीधा ही, और इस राइड पर हमें मिले कितने,
भाई 162 रुपये मिले, 163 रुपये, कोई बात नहीं भाई, थोड़ी लंबी पड़ी राइड, बट हम दिल्ली से नोएडा से निकल लिए भाई। अब ऊबर खोले, ऊबर कर सकते हैं भाई हम, 25 रुपये दे दिए, जब दिए हैं तो फिर क्यों परेशान हो, क्या पता ऊबर में मिल जाए कुछ, लगा दूँ क्या ओमरूट इस पर, चलो लगा ही देते हैं यार, देखा जाएगा। यहाँ से भी मेरा घर 22 किलोमीटर दूर है भाई। भाई मैं थोड़ा सा रुका हूँ कि यहीं से क्या पता नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही कोई राइड मिल जाए यार, बढ़िया सी बच जाए, बाकी देखते हैं क्या मिलता है। तो दोस्तों अब मैं कैमरा उतार रहा हूँ भाई, और मैं अब सीधा आपसे मिलूँगा घर पर, बिकॉज यार काफ़ी हैवी हो रहा है हेलमेट, एक ना सुबह से पहनते हुए थक गया हूँ भाई मैं। बाकी क्या हिसाब किताब है, कितना चली गाड़ी, क्या है अभी तक आप देख लो, 95 किलोमीटर चल चुकी है, ये शाम का है खाली, बाकी देखते हैं भाई, टोटल बताऊंगा आपको सुबह शाम मिला के कितना चली है, कितनी इनकम हुई है। और चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने घर, और भाई ये मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो अब मैं आपको बता दूँ पहले भाई मेरी अर्निंग कितनी हुई है। अर्निंग हुई है भाई 804 रुपये हुई है अपनी ओला पे, तो इसमें आया जो मेरा एक फूड ऑर्डर किया था उसके 30 रुपये इंसेंटिव वगैरह इंक्लूड है सब कुछ, और भाई 87 का एक ऑर्डर किया था मैंने पोटर पे, मैंने एक ही ऑर्डर किया भाई, तो सॉरी 84 रुपये मैंने बोला वीडियो में, बट 87 रुपीज़ मिले थे, और 698 का काम किया मैंने अप्रॉक्स 700 रुपये का ऊबर पे। तो भाई इसमें जो मेरी गाड़ी चली है टोटल काम हो गया भाई लगभग 1590 रुपये का, भाई पूरे दिन में काम किया मैंने 1590 का, और इसमें मैं घर भी आया, 2.5 घंटे रेस्ट किया मैंने आराम से, घर का खाना खाया भाई, अब ये तो तुक्का लग गया, मैं ये नहीं कह सकता भाई हर बारी मैं घर आ जाऊं, बट हाँ तुक्का लग गया बस थोड़ा सा, अब यही सीन है। बाकी भाई अपना मैं आपको ये बताऊं काम कितना हुआ, गाड़ी चली है मेरी भाई 200 किलोमीटर, पूरे 200 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है, मतलब अपने घर तक 200 किलोमीटर सुबह शाम मिला के प्रॉपर 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई भाई। मेरा 350 रुपये का लगभग तेल लगा, माइनस करें भाई 350 रुपये, भाई 1240 रुपये, इसमें 25 रुपये ऊबर काट लेगा कल, तो अप्रॉक्स 1200 रुपये बच गए हमको। और जो मैंने काम किया भाई, रात को मैं आया था लगभग 11:30 के आसपास, क्योंकि भाई नोएडा गया, ग्रेटर नोएडा बहुत दूर था, ये शुक्र है भाई वहाँ से निकल गया मैं टाइम पे, और मतलब बैंड बजने वाली थी पूरी पूरी, अगर वहाँ से राइट ना मिलती ना भाई परेशान होता बहुत ज़्यादा, और खाली आते भाई 62 तक, फिर और क्या हो सकता था। ये तो मैंने रिस्क ले लिया, 400 रुपये की राइड करी भाई, 418 रुपये, कस्टमर ने लास्ट में लोकेशन चेंज कर दी, थोड़ा सा आगे थी लोकेशन भाई, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, कि 400 में अगर हमें टैक्स कट के मिलता भाई वो मिलते 380 रुपये, और अब मिले हैं 418 रुपये, तो मतलब 40 रुपये 38 रुपये फालतू मिले, इसी के मिले क्योंकि 4-5 किलोमीटर की लोकेशन और एक्सटेंड हो गई भाई, देख के मैं गया था 48 किलोमीटर, वहाँ जाके हो गया 53 किलोमीटर, बस यही सीन है अपना। तो भाई आज की ये ऊबर की बॉम्ब राइड थी भाई पूरी की पूरी, मेरी बैंड बज गई, ये तो अच्छा भाई कस्टमर सही थे, रुक गए बीच में, दो बार रुके हम, एक वो भी रुके तो सही हो गया अपना काम, पीछे पानी वानी पिया, तो वरना भाई हालत बुरी होती है लॉन्ग लॉन्ग राइड्स पे। तो दोस्तों भाई यही थी आज की कहानी, 1200 कमाए हमने पेट्रोल गाड़ी से। अब आप ये बताना भाई पेट्रोल गाड़ी से वीडियो देखने में ज़्यादा अच्छा लगा या फिर एथर से ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी काम तो भाई दोनों में हो ही जाता है बराबर, और बाकी मैं पोर्टर के ऑर्डर वगैरह तो मैं करता ही रहता हूँ भाई, पोर्टर में परफॉर्मेंस बढ़ानी है मुझे, और पोर्टर ने मेरी परफॉर्मेंस भाई 20% कर दिया है एक ऑर्डर मारने के बाद, मतलब एक ऑर्डर में 2% बढ़ा देता है परफॉर्मेंस पोर्टर अप्रॉक्स। तो भाई अब आपको एक और नई खुशखबरी सुनाता हूँ मैं, अब खुशखबरी है या सैड न्यूज़ है ये तो आप लोग डिसाइड करना, तो ये दिखाऊं भाई मैं आपको। तो दोस्तों भाई ऊबर ने अपना कर दिया है हमारा सीन हमारे साथ, सारी कंपनियां मैं कह रहा था ना परफॉर्मेंस बेस्ड हो रही हैं, बस ऊबर ने भी यही खेल खेल दिया है। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा यहाँ पे, आप देख सकते हो भाई साइड में ऑप्शन आ गया है ऊबर प्रो, ऊबर प्रो में भाई अब ये आ गया 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 0 पॉइंट्स हैं, एक राइड करेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, और इनकी एक टाइमिंग है कुछ शाम को 5 से 8 और सुबह भी 8 से 11 ऐसी समथिंग कुछ टाइमिंग है, तो उसमें हम काम करेंगे तो भाई हमें 3 पॉइंट मिलेंगे, तो मतलब इनका जो सीन हो गया भाई, हाँ सुबह 8 से 10 शाम को 5 से 8 डेली है, सुबह 8 से 10 मंडे टू फ्राइडे भाई, अब ये सीन हो गया ऊबर में, इन्होंने क्या करा है, और इनके बेज बन गए हैं जैसे पोर्टर उसमें होता है ना आपका क्या कहते हैं जोमेटो में, तो ब्लू गोल्ड प्लैटिनम डायमंड इसमें भाई बन चुके हैं बेज वगैरह, अब इनका क्या मतलब है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता है, पैसे मिलेंगे इसमें शायद, बट मुझे अभी आइडिया नहीं है यार, बस ये कि ऊबर का अपडेट आया ये, जैसे मेरी रेटिंग आप देख सकते हैं भाई 4.8 है, स्टार रेटिंग होती है 4.96, कैंसिलेशन मेरी 12% से कम है शायद,
और कैंसिलेशन रेट 25% है, समझ अलग ही हिसाब है भाई, सॉरी मेरा। तो ठीक है भाई, ये सीन है। अब इतना सर्विस, ग्रेट सर्विस करने के लिए ऊबर ने क्या सीन निकाला है, इसके पैसे ऐसे मिलेंगे? या भाई ये परफॉर्मेंस बेस्ड है भाई, जिसकी जितनी परफॉर्मेंस होगी उसको उतने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे या राइड्स आएंगी। तो भाई ऊबर ने भी अपना परफॉर्मेंस बेस्ड कर दिया पूरा का पूरा, जैसा जोमेटो का है। तो भाई अब ये बड़े ध्यान से काम करना, अगर आपको ऐप राइड एक्सेप्ट कर रहे हो तो कैंसिल मत करना। और मैं तो सही बताऊँ तो कह रहा हूँ, अगर आपके पास ईवी नहीं है ना, पेट्रोल गाड़ी है, तो भाई 30-40 रुपए की राइडें लेना बंद कर दो। कभी कभी आपका इंसेंटिव पूरा करना हो तो आप लो, अदरवाइज मत लेना भाई 30-40 रुपए की राइडें, कुछ नहीं बचने वाला 30-40 रुपए में। 30 रुपए में 5% टैक्स कटेगा भाई, कितने हो गए 1.5 रुपए, और फिर भाई 28 रुपए के आसपास मिलेंगे आपको। तो भाई इतना तो टाइम लग जाता है कस्टमर को ऊपर से नीचे आने में, कई बार तो कस्टमर 10 मिनट वेट करा देते हैं, तो भाई इतना टाइम क्यों लगाएं? लेंगे तो लॉन्ग राइड लेंगे। और भाई आप ना ऊबर पर रेगुलर राइड करोगे ना तो कनेक्ट भी ऑन हो जाएगा, जिन भाइयों का बंद है ना कनेक्ट, तो भाई एक बार आप राइड लॉन्ग करते रहो ऊबर पे तो कनेक्ट भी ऑन होने के चांसेस होते हैं। तो आप राइड करो कॉन्टिन्यूस तो शायद ऑन हो जाए, मैं कह नहीं सकता कन्फर्म, कुछ भाइयों का हुआ है मैंने सुना है, तो इसलिए उसी के बेस पे मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कनेक्ट बंद है ऊबर तो आप ऊबर पे राइडें करोगे ना कुछ, मतलब 3-4 दिन तक राइडें करते रहोगे तो अपने आप कंपनी ऑन कर देगी। या एक बार कस्टमर केयर बात कर लेना, मैं एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकता, ट्राई कर सकते हैं आप। यही है सीन भाई, ऊबर ने भी भाई परफॉर्मेंस बेस्ड कर दिया सबका। और भाई आज जो मैंने बॉम्ब राइड मारी ना ऊबर पे, मज़ा आ गया सही में, इतनी दूर गया ना मैं भाई। इसमें हमें रेट क्या मिला? हाँ रेट मैं आपको बता दूँ भाई, हमें मिले हैं 418.53 किलोमीटर के भाई, 7.88 रुपये का, मतलब अप्रॉक्स 8 रुपये का रेट मिला यार ऊबर पे, कोई नहीं सही था। उसके बाद मुझे 174 की राइड मिल गई पैकेज की, तो वो भी सही था। वहीं से मेरे को ओला पे राइड मिल गई रेलवे स्टेशन की, वो भी सही था भाई। ये था किस्मत थी, मैं निकल आया। अब रात का टाइम हो गया था, बाई चांस ना निकल पाता तो भाई खाली आना पड़ता सेक्टर 62 तक, वो भी शायद 10-12-15 किलोमीटर शायद, मुझे आइडिया नहीं है। ऐसे है कि निकल गया मैं सही टाइम पे, तो इसलिए मेरे लिए बेटर हो गया। तो भाई यही थी इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन यही थी। अब आप देखना भाई मेन आपको क्या करना है, ओला ऊबर रैपिडो, रैपिडो भी बहुत कम रेट देता है, आप देख लेना भाई। रैपिडो में प्लान लेके करोगे, कर सकते हो आप प्लान लेके, मैं मना नहीं कर रहा, पर रैपिडो में इतना प्रेफर करता नहीं। बाकी मेक को भाई वो 8 रुपये के आसपास रेट दे देते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी है। अब बाकी आप देख सकते हो, बाकी पोर्टर वगैरह से मैं राइड मारता रहूँगा भाई, परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे पोर्टर पे, क्या पता नेक्स्ट मंथ मैं पोर्टर की करूँ। यार आप लोग कह रहे हो ना पोर्टर की फुल डे वीडियो बनाऊँ, भाई पोर्टर ऑर्डर ही नहीं देता मुझे, तो मैं कहाँ से बनाऊँ भाई वीडियो, पूरा दिन खाली बैठा रहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा अपना ओला ऊबर चल रहा है, पैकेज मिल जाते हैं बीच बीच में तो कर लेते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जो भाई नए हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और भाई साथ में शेयर भी कर दिया करो यार, जिसको वीडियो जिसको ज़रूरत है ना भाई कि अर्निंग कैसे करें इस फील्ड में, तो उसको वीडियो शेयर कर दो भाई। इसी हिसाब से काम करो, आपको 1000-1200 के अप्रॉक्स हो जाएगा आराम से, 1500 भी अगर आप और ज़्यादा काम करोगे तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।